ओम नमो शिवाय, जय माता रानी, जय भैरवनाथ। माँ भगवती सभी का कल्याण करे। नवरात्रि की इस सीरीज में आज बताने जा रहे हैं कि नवरात्रि के प्रथम दिवस में माता रानी को क्या भोग अर्पित किया जाता है और बाकी के आगे के 8 दिनों में क्या भोग अर्पित किया जाता है। नवरात्रि का प्रथम दिवस माता शैलपुत्री को समर्पित होता है और माता शैलपुत्री को जो है प्रथम दिवस जो माता शैलपुत्री का है, इस दिन जो है गाय का शुद्ध देशी घी भोग में अर्पित किया जाता है। एक कटोरी ले लीजिएगा, चांदी की कटोरी हो तो सर्वोत्तम है, नहीं तो स्वर्ण पात्र की हो, चांदी और स्वर्ण पात्र की नहीं है तो अष्टधातु की नहीं है तो पीतल की कटोरी के अंदर आप जो है घी रख के माँ को प्रेम पूर्वक भोग लगाएं। ऐसा करने से माता शैलपुत्री माता की कृपा प्राप्त होती है और घर के अंदर जो रोग होता है वो ख़त्म होता है, निराशा होती है वो ख़त्म होती है और जो विधि और बाधा होती है वो दूर होती है और शरीर जो है स्वस्थ होता है, निरोगी होता है। तो प्रेम से बोलें जय माँ शैलपुत्री। दूसरा दिवस माँ ब्रह्मचारिणी को अर्पित होता है। ब्रह्मचारिणी माता को जो है शक्कर का भोग अति प्रिय होता है, यानी शक्कर शुद्ध भाषा में कहा जाए तो चीनी का भोग माता रानी को लगाने से परिवार में प्रसन्नता आती है और परिवार के सभी व्यक्तियों की जो अल्प आयु का अगर कहीं दोष बना हुआ होता है तो वो भी समाप्त होता है, आयु में वृद्धि होती है। प्रेम से बोलें जय माता ब्रह्मचारिणी। तीसरा दिवस माँ चंद्रघंटा को समर्पित होता है। चंद्रघंटा माता को दूध से बनी हुई मिठाई या दूध से बनी हुई खीर, उस खीर के अंदर से मेवा पड़ी हो और हल्का सा केसर लगा हो, वो उनको बहुत प्रिय होता है। खीर का भोग लगाने से, सफ़ेद मीठे का भोग लगाने से माता रानी प्रसन्न होती हैं और आपको सभी दुखों से मुक्त करती हैं और आपके अंदर परम आनंद शांति जागृत करती हैं। और इस दिन जो है अगर खीर या मीठे का भोग लगाते हैं और ब्राह्मणों को दान करते हैं तो आप पर माता चंद्रघंटा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। प्रेम से बोलो चंद्रघंटा माता की जय। चौथा दिवस माता दुर्गा के स्वरूप को अर्पित होता है। चौथा दिवस कूष्मंडा माता के लिए समर्पित होता है। कूष्मंडा माता को जो है मालपुए का भोग अति प्रिय होता है और मालपुए के संग में आप हरी इलायची का भोग दे सकते हैं जो माँ को अति प्रिय होता है। ऐसा करने से व्यक्ति के अंदर बौद्धिक क्षमता बढ़ती है, निर्णय लेने की भी क्षमता बढ़ती है। पंचम दिवस, उससे पहले प्रेम से बोलें जय माँ कूष्मंडा की। पंचम दिवस माता के स्कंद माता स्वरूप को समर्पित होता है। स्कंद माता का पंचम जो दिवस होता है, इस दिन केले नैवेद्य के रूप में माँ को समर्पित किया जाता है और संग में स्कंद माता के गोद में जो विराजमान है वो कार्तिक स्वामी होते हैं, संग में कार्तिक स्वामी जी की भी पूजा करी जाती है। तो कार्तिक स्वामी जी के लिए गुड़ का भोग उनको दिया जाता है और स्कंद माता के लिए केले का भोग दिया जाता है। जब ये दोनों भोग दिए जाते हैं तो माँ और पुत्र दोनों की जो है कृपा विशेष रूप से प्राप्त होती है, जिससे संतान सुख में की वृद्धि होती है, संतान की आयु में वृद्धि होती है, संतान के पढ़ने लिखने में बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होती है, उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, निरोगी काया जो होती है आपकी हो जाती है, यानी रोग मुक्त काया हो जाती है। और स्वामी सुब्रमण्यम कार्तिकेय जी और माता स्कंद माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। प्रेम से बोलें स्कंद माता की जय। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। छठा दिवस माँ कात्यायनी को समर्पित रहता है।
तो कात्यायनी माता अगर किसी भी पुरुष की शादी होने में दिक्कत आ रही है तो अगर विशेष रूप से उनको मना लिया जाए तो माँ की विशेष कृपा मिलती है और जल्दी शादी उस पुरुष की हो जाती है। कात्यायनी माता को शहद का भोग लगाने से व्यक्ति के अंदर आकर्षण की शक्ति बढ़ती है और व्यक्ति की सभी मनोकामना सिद्ध होती चली जाती हैं। प्रेम से बोलो कात्यायनी माता की जय। छठा दिवस कात्यायनी माता को समर्पित है। कात्यायनी माता को शहद का भोग लगता है आकर्षण की शक्ति बढ़ाने के लिए और अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए। सप्तम दिवस माता कालरात्रि को समर्पित है। कालरात्रि माता आपके जीवन के सभी संकटों को नष्ट करके आपको सुरक्षा प्रदान करने वाली देवी हैं और आपके जीवन में अचानक अगर कोई संकट आता है उसको समाप्त करने के लिए या कोई ऐसी दिक्कत परेशानी चली आ रही है, कोर्ट कचहरी का कोई मैटर है, आपका कोई ऐसा शत्रु है जो आपको बेर बेर परेशान करता है या कोई शत्रुता आपके समाज में जाता है तो उन सब से सुरक्षित करती हैं। माँ को गुड़ का भोग अति प्रिय है। माँ को अगर गुड़ का भोग दिया जाए और सप्तमी वाले दिन विशेष करके महाकाली माता के मंदिर जाकर नारियल की भेंट दी जाए सप्तमी वाले दिन और उनको जो है चुनरी और श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाए और सरसों के तेल का उनके मंदिर के अंदर चौमुखी दीपक जलाया जाए और गुड़ का भोग अर्पित किया जाए तो सभी प्रकार की दिक्कतें परेशानी आपकी समाप्त होती हैं और माँ की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। अष्टम दिवस में माता रानी को नारियल से बनी हुई चीज़ों का भोग देना चाहिए, जैसे नारियल से बनी हुई बर्फी होती है या नारियल से बनी हुई जो खीर होती है उनको भोग देने से आपको विशेष कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि नारियल का अष्टम दिवस से भोग देने से माता महागौरी की विशेष कृपा प्राप्त होती है नारियल से बनी हुई बर्फी या नारियल से बने मिष्ठान का भोग देने पर, और इससे आपके संतान से जुड़ी जो समस्त समस्याएं होती हैं खास करके उन माँ बाप के लिए विशेष कर हो जाता है कि जो उनकी संतानें उनका कहना नहीं मानती हैं तो वो सब सकारात्मक स्थिति को कर देती हैं और आपकी संतान आपका कहना मानती है और आपकी संतान से जुड़ी सभी समस्याओं का अंत होता है। नवम दिवस जो है माता सिद्धिदात्री को समर्पित है। इस दिन तिल से बनी हुई मिठाई या तिल से बने हुए लड्डुओं का अगर आप माता सिद्धिदात्री को भोग लगाते हैं और ब्राह्मण को दान करते हैं, मंदिर में बांटते हैं, तो ऐसे में क्या है आपके जीवन में आने जाने वाली अचानक अनहोनी घटनाओं से बचाव होता है और आपको सभी काम में सिद्धि प्राप्त होती है। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से आपके सभी मनोरथ पूरे होते हैं। तो प्रेम से बोले सिद्धिदात्री माता की बोलो जय और नवदुर्गा माता की बोलो जय। तो ये इस प्रकार से 9 दिवस माता रानी को धीरे धीरे करके भोग लगाया जाता है। अगले वीडियो में माँ के मंत्रों के बारे में, माँ की जो लोग अंग्यारी पे भोग देते हैं उसके विषय में बात करेंगे और जो भी आपका सवाल है वो आप कमेंट्स बॉक्स पर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका समय सुबह माँ भगवती जगत जननी पराम्बा माता महाकाली माता महासरस्वती माता महालक्ष्मी और माँ विंध्यवासिनी अष्टभुजा दुर्गा काली घोवली माता और माँ कोल्हापुर वाली महालक्ष्मी और माता बगलम की समस्त देवी आप पर कृपा बनाए। प्रेम से बोलो जय माँ भगवती। आपका आने वाला समय अच्छा हो। ओम नमः शिवाय। जय मथुरानी। जय भैरवनाथ। जय भैरवनाथ।